जय हिंद दोस्तों, के फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज हम आपको राउंड बॉक्स बना के दिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि करेंगे वीडियो कंप्लीट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमने बॉक्स बनाने के लिए 14 इंच चौड़ा और 5 फीट लंबा प्लाई काट रखा है, और उसको दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर जो है उसको 2 इंच बाय 2 इंच में राउंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच बाय 2 इंच का मार्किंग करके गुनिया से इस तरह से उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको हमको राउंड शेप देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर में मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे सागौन की, और इसमें एक किला फंसा देंगे। इस किलो को दोस्तों थोड़ा बाहर रखेंगे, और ये जो पॉइंट बन रहा है, जो प्लस का पॉइंट बन रहा है, उसमें एक किले से इस तरह से मार्किंग कर देंगे, ताकि हमारा जो निकला हुआ किला है वो उसमें जाके आसानी से बैठ जाए। तो यहाँ पे हम इसको फंसा देंगे, और फंसाने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा जो पट्टी है वो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो धार है यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। ये जो धार है इसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद इसको सेंटर में रख के इसमें भी हम किला लगा देते हैं। दोस्तों इस खिले को हमने थोड़ा बाहर रखा है मार्किंग करने के वास्ते। यहाँ पे देखेंगे एकदम राउंड सर्कल में मार्किंग हो गया है। तो इसी तरह से दोस्तों जितना भी कॉर्नर है सभी कॉर्नर पे हम मार्किंग कर देते हैं, और उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। दोस्तों इसको मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आपको इस तरह से कॉर्नर मतलब राउंड मार्किंग करना है, तो इस तरह से कीजिए, बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चारों कोने को मार्किंग कर लेते हैं, और उसके बाद कटर मशीन से थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं, और उसके बाद कट करने के बाद इसको फरसी की वजह से इसको साफ़ कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों इसको बाहर से फरसी से साफ़ करना इजी है, लेकिन अंदर से किस तरह से कट करना है वो मुश्किल वाला काम है, क्योंकि छोटा कटिंग है, मशीन से भी उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट दोस्तों वही है। तो आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आप पूरा कंप्लीट धीरे धीरे देखिए, भगा भगा के मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बाहर वाला फेस है, जो हमने चारों कॉर्नर को काट लिया सेम तरीके से। यहाँ पे देखेंगे इधर का और इधर का भी चारों कॉर्नर परफेक्ट तरीके से कट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 1/4 इंच में मतलब मोटा कट करना है। 1/4 इंच बोले तो कैसा है, ये जो बॉक्स हम बनाएंगे इसका धार 1/4 इंच होगा, तो हम दोनों तरफ 6 mm 6 mm का प्लाई लगाएंगे, और बीच में 1/4 इंच रखेंगे तो हमारा 1/4 इंच हो जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों आप वीडियो देखते जाएंगे आपको सब कुछ मालूम चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो पट्टी हमने पहले लिया था सेम वही पट्टी को हम यहाँ पर फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमने मार्किंग किया है 1/4 इंच का, उसके मतलब सिधाई पर ही एक मार्किंग कर लेंगे, और वो मार्किंग में भी खिला फंसा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों खिला फंसा लिए हैं। फंसाने के बाद यहाँ पर जब मार्किंग करेंगे आप, तो देखेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से 1/4 इंच का ये भी मार्किंग हो गया। मैं आपको इसको निकाल के 1/4 इंच प्लाई रख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये एकदम परफेक्ट 1/4 इंच का है। तो अभी इस तरह से मार्किंग कीजिए, एकदम परफेक्ट आएगा। अब दोस्तों सवाल पैदा होता है कि इसको कटिंग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस बिट की मदद से कटिंग करूँगा, लेकिन इस बिट का मेजरमेंट कैसे निकालें कि हमारा जो कॉर्नर है वो बराबर से राउंड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी पट्टी को फंसा के खिला जो जैसा था, और यहाँ पे अपोजिट साइड मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप मेजरमेंट कर लीजिए जो मार्किंग टू मार्किंग, तो आपको मालूम चल जाएगा कितना बड़ा बिट हमको इसमें लगा के कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बिट का मेजरमेंट है आप देखेंगे 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच मार्किंग हमारा आ रहा था, और बिट भी 2.5 इंच का है। तो हम क्या करेंगे, जो जो प्लस बन रहा है वहाँ पर गुम्मा से इस तरह से मार्किंग कर देंगे, ताकि जो हमारा बिट है वो सही जगह पर जाके बैठ जाए, इधर उधर ना हो। तो इसको सही जगह पर रख के हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो राउंड है, जो अंदर का गोलाई है, एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों हम चारों हमारा जो कॉर्नर है उसका कटिंग कर देते हैं। उसके मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो फाइनली दोस्तों हमने कट कर लिया। अब इसका जो साइड वाला जो मैंने 1/4 इंच का मार्किंग किया था उसको कटिंग करना है। तो उसके लिए आपको कटर मशीन में गेज मान लेना है, आप मार्किंग ला के मत कट कीजिए, कटर मशीन में गेज ला के कट करेंगे तो जो पट्टी है, जो 1/4 इंच का पट्टी बचेगा वो एकदम परफेक्ट साइड में बचेगा। अगर आप मार्किंग ला के कट करेंगे तो जो पट्टी है वो कम ज़्यादा बचेगा। तो जब प्लाई ला के इसको मतलब बॉक्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या रिकमेंड भी करूँगा कि आप जब कटिंग कर रहे हैं तो गेज बांध के कट कीजिए, काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, और जो पट्टी भी होगा एकदम परफेक्ट साइज में होगा।
तो फाइनली दोस्तों हमने कटर मशीन से कट कर लिया। हम क्या करेंगे, आरी से थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल बचा है उसको आरी से काट देंगे, और काटने के बाद बीच का जो प्लाई है उसको निकाल देंगे। तो ये हमारा फ्रेम, मतलब एक फ्रेम की तरह हो जाएगा, 1 इंच बाई 1 इंच का। उसको निकाल देंगे तो हमारा बॉक्स बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा कटिंग हो चुका है लगभग। अब मैं इसको प्लाई को बाहर निकाल देता हूं, और आप देखेंगे तो ये हमारा जो पट्टी है, फ्रेम है, एकदम मस्त तरीके से कटिंग हो गया। दोस्तों हमको 2 बॉक्स बनाना है, इसके लिए हमने 4 पट्टी को कट किया है, सॉरी 4 फ्रेम को कट किया है। आप देखेंगे यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ कट हुआ है, कहीं भी मतलब कुछ भी चिपिंग नहीं है, सब कुछ एकदम बराबर तरीके से हो गया है। अब हम इसको बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स किस तरह से बनाना है वो आगे मैं आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्लाई को कट कर लिया है, हमने इसका डीप 9 इंच रखा है। आपको जितना रखना है आप उस हिसाब से प्लाई कट कर लीजिए, और प्लाई कितना लंबा कट करना है कि ताकि हम जब बॉक्स बनाए तो हमारा बॉक्स जो है गुनिया में आए। तो जो हमने कॉर्नर बाई कॉर्नर में 2 इंच का मार्किंग किया था, तो आपको वही 2 इंच बाई 2 इंच के अंदर अंदर का हिसाब से प्लाई कट करना है। जैसे ये प्लाई जो हमने जो जिसमें फ्रेम कट किया है, वो प्लाई हमारा कितना लंबा था, 5 फीट था, यानी कि 60 इंच लंबा था। तो आपको 60 इंच में 4 इंच कम करके ये प्लाई को कट करना है, और उसी हिसाब से जो चौड़ाई वाला है उसको भी उसी हिसाब से कम करना है, यानी कि 2-2 इंच दो साइड से कम करना है। अगर आप कॉर्नर 3 इंच का राउंड कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ से मिला के 6 इंच का कम करना है। अगर 2 इंच का कर रहे हैं तो 2 इंच मतलब दोनों तरफ से मिला के 2-2 4 इंच कम करना है। तो उसी हिसाब से ये प्लाई को कट करना है, और ठोकते वक्त आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जो 2 इंच का मार्किंग हमने किया था उसी के मतलब उसी लेवल पे, मतलब यानी कि उसी मार्किंग पे ये प्लाई फिक्स होना चाहिए, नहीं तो आपका जो ये बॉक्स जब बनेगा तो गुनिया में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो इस सबसे ध्यान दे के ये सब करना है। तो यहाँ पे हम सब कुछ देख के इसको प्लाई को फिक्स कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों दोनों साइड का हमने प्लाई लगा लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम टॉप और बॉटम का प्लाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बीच में हमने खांचा बना रखा है, वो खांचा क्यों बना रखा है मैं आगे आपको बताऊंगा। एक तरफ का दोस्तों हमने प्लाई लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको पलट के दूसरी तरफ फेविकोल ला के इसको भी फिक्स कर देंगे। इसको बस ध्यान वही देना आपको कि जो 2 इंच वाला मार्किंग है उसके मतलब लेवल पे ही ये धार जाना चाहिए, नहीं तो ये बॉक्स गुनिया में नहीं आएगा। आपको बहुत दिक्कत होगा बाद में जब प्लाई ऊपर से और बाहर से अंदर से जब प्लाई फ्लेक्सीबल वाला घुमाएंगे तो दिक्कत होगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो गाला है ये हमने वायर निकालने के लिए किया है, क्योंकि इसमें लाइट लगेगा तो जब ऊपर से होल डाल देंगे और इसमें इसके रास्ते जो ग्रू है उसके रास्ते से अपना वायर निकल जाएगा। ये दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबल सीट है, तो हम पहले क्या करते हैं जो धार है उसको, जो कंपनी का धार है उसको एक बार कटर मशीन से काट के सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डैमेज था धार, तो हम सीधा कर देंगे तो अपना काम जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं इसको सीधा एक बार के लिए कट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे फ्लेक्सिबल सीट है, और हमने इसको अपने हिसाब से अपने मतलब जितना हमको बॉक्स में चौड़ाई लग रहा है उसके हिसाब से कटिंग भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बॉक्स में फेविकोल लगाएंगे, फेविकोल लगा इसको फिक्स कर देंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि जब ये प्लाई कट करते हैं तो आपको थोड़ा चौड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब इसको फिक्स करते हैं अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो लास्ट में जाते जाते बॉक्स से बाहर होने लगता है। तो उसका भी ध्यान दे के आप काम कीजिए, एक बार के लिए चेक कर लीजिए उसको फिक्स कीजिए, नहीं तो एक तरफ आप थोड़ा इधर उधर करके फिक्स कर देंगे फिर दूसरी तरफ जाके थोड़ा बाहर होने लगता है। तो वो सब ध्यान देके आपको करना है, थोड़ा ज़्यादा रखिए, बाद में रंधे से और चेयर कटर मशीन से इसको कम कर लीजिए। क्या पहले क्या करना है आपको फेविकोल एक तरफ जिस तरह से मैंने लगाया उस तरह से लगा के आपको सही जगह पर रख के इसको खिला फंसा लेना है, और खिला फंसाने के बाद इसको जो राउंड है उसमें घुमाना है। तो मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरह से घुमाना है। यहाँ पर मैं 17.5 इंच खिला ले रहा हूँ, और ये जो हमारा फ्लेक्सीबल वाला सीट है ये 6 mm का है। यहाँ पे देखेंगे हमने एक तरफ का
वहाँ पे जो मैंने कीला लगा दिया है, अब हम क्या करें दूसरे तरफ भी देखेंगे। अब कीला फेविकोल लगाया है और उसके इस तरह से घुमा लेना है, और घुमाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला सिकंजी आता है, मैं इसको सिकंजी बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताइएगा। क्या आप भी इसका इस्तेमाल करते हो अपने काम में, वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे उसकी मदद से यहाँ पे दबा देंगे, क्योंकि हम हाथ से दबाएंगे तो उतना अच्छा दबेगा नहीं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे जो अपना काम है परफेक्ट हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से दब जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी खील लगा देंगे, और इसको दोस्तों आपको देख के दबाना है, क्योंकि यहाँ पे एकदम साइड साइड में पौन पौन इंच का है, तो ऐसा कोशिश कीजिए ज़्यादा मतलब टूटने न पाए। वैसे तो ये फ्लेक्सिबल जब सीट लगा देंगे तो अच्छा फिक्स, यहाँ पे देखेंगे एकदम बराबर तरीके से बैठ गया है। जो फ्लेक्सिबल वाला सीट है वो लगा देंगे तो ये बहुत मजबूत हो जाता है बॉक्स, दिक्कत कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने इस तरह से मतलब लगा लिया, अब वापस इसमें पौन इंच के खिले ला के इसको फिक्स कर देंगे। दोस्तों हमने इसको ऐसे ही खिलल मतलब लगा रहे थे तो बराबर नहीं जा रहा था, तो इसके लिए हम हथौड़ी का मदद लेंगे अंदर से सपोर्ट के लिए, ताकि जो हमारा खिला अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पे हमने इसको भी लगा लिया, अब देखेंगे इधर इधर भी हमने फेविकोल लगा दिया है। बाकी इसको इसी कंजी को खोल लेंगे, और खोल के सेम तरीके से दूसरी तरफ भी इसको मतलब फिक्स कर लेंगे। इसको ध्यान दे के ही करना है, मैंने जो पहले आपको बताया, अगर बराबर से इसको नहीं लेके जाएंगे तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ भागने लगता है, तो इसके लिए दोनों तरफ चौड़ाई बराबर रखिए। और जो मैंने आपको बताया, जब पाटिया ठोकते हैं तो जो 2 इंच वाला मार्किंग आप किए थे, या 2 इंच 3 इंच जो भी कीजिए मार्किंग, तो उसके लेवल ही रखिए। जो पाटिया जो मतलब जो डीप वाला पाटिया है वो उसके लेवल ही रखिए, तो एकदम परफेक्ट आएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगा। और ये देखिए, ये मान लीजिए लंबाई आप मेजर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, और उसके बाद इस तरह से मार्किंग लगा के काट लीजिए। तो यहाँ पर हमने धार का मार्किंग कर दिया, और उसके बाद टेप का मार्किंग कर देंगे, इसके बाद इस तरह से गुनिया रख के कटर मशीन से कट कर देंगे। तो काटने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से ये बैठ जाएगा। उसके बाद आप फेविकोल लगा दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए। अब ये दोस्तों नंबर आता है अंदर वाला लगाने का, तो अंदर वाले में भी आपको वही करना है। यहाँ पे जो जो पौन इंच का प्लाई है उसमें आपको खिला लगा लेना है। इसमें भी बस वही ध्यान देना है कि दोनों तरफ बराबर बराबर बाहर निकला रहे, नहीं तो लास्ट में जाते हो कि इधर उधर जाने लगता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो हम भी क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिला के और यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में गुनिया लगा देंगे। सॉरी दोस्तों, गुनिया नहीं, ये सिकंजी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ हम सिकंजी की मदद से इसको टाइट कर देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, और फिर ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर भी लगा देंगे, और जो खिला लगा हमने फिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे एक तरफ हो गया, दोनों दूसरे तरफ का भी हम सेम तरीके से इसको भी लगा देते हैं, तो ये भी आराम से बैठ जाएगा। बस इसमें ध्यान ही देना है, मतलब ये प्लाई जो है, जो फ्लेक्सिबल वाला सीट है, वो फटने ना पाए, थोड़ा ध्यान दे के मोड़ना है। और 2 इंच में तो नहीं फटता है, उससे कम रहेगा तो उतना अच्छा नहीं मुड़ेगा। तो उसी तरह से दोस्तों जितना अंदर अंदर का प्लाई है वो आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने एक तरफ लगा लिया, अब इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद इसको नीचे वाला भी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ किस तरह से ये आराम से जो खांचा है उसमें बैठ गया है, और ये भी इसमें भी लंबाई थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसको भी कट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने टेप भी लगा रखा है, तो क्योंकि ये फ्लेक्सीबल वाला सीट है तो ये एक जगह जगह फूल जा रहा था, उसके लिए टेप लगाया था। अब यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर बॉक्स तो हमारा बन के रेडी हो गया है, और इसमें हमको सेल्फ देना है। तो सेल्फ के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों गाला सेम रख रहे हैं, बीच का 2 फीट रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सेल भी रेडी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रू की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी कभी इस तरह से बॉक्स बनाए थे कि नहीं, वो भी बताइए। और मेरा ये जो तरीका है वो आपको कैसा लगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप हमको बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि हम जो बताते हैं वो अच्छा है, बेकार है, कैसा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारी कमियाँ बताइए, अच्छाई है वो भी बताइए। आप हमें कमी बताएंगे तो ही हम सुधारने का मौका पाएंगे। उसके बाद दोस्तों सब कुछ करने के बाद यहाँ बैक लगा देंगे, और बैक लगाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर जो है वो कट कर देंगे कटर मशीन की मदद से।
और कटर मशीन से काटने के बाद उसको रंडे से अच्छे से, मतलब जो गोलाई है उसको अच्छे से लगा देंगे। और ये बॉक्स दोस्तों हम कहाँ लगाएंगे, अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हम जब ये बॉक्स लगाएंगे जहाँ पे उसका वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हम नहीं बोलते हैं तो आप लोग करते नहीं, कर लीजिए, बहुत सारे जानकारी इस चैनल पर मिलता रहता है। तो लगभग दोस्तों हमारा जो बॉक्स है वो बन के रेडी हो चुका है, आप कॉर्नर भी देखेंगे एकदम मस्त फिनिशिंग है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे हमने बॉक्स भी फिटिंग कर लिया है। तो ये हमने कहाँ फिटिंग किया है, किस लिए फिटिंग किया है, किस चीज़ किस जगह पे आया है, सब कुछ अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नाइट ऑफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।